हेलो स्टूडेंट्स, सो एक और स्टेट की जो काउंसलिंग है उसके लिए प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो गया है एंड दैट स्टेट इज़ बेसिकली अपनों राजस्थान। ठीक है, इस स्टेट के लिए जो स्टेट काउंसलिंग है उसके नोटिफिकेशंस जो हैं वो रिलीज़ कर दिए गए हैं। ठीक, इसके लिए जो बेसिक आपको साइट विजिट करनी है उसको मैं सबसे पहले बता देता हूँ। फर्स्ट साइट विच यू हैव टू विजिट इज़ education.rajasthan.gov.in, education.rajasthan.gov.in। ठीक, इसके अलावा आप एक और साइट विजिट करेंगे, दैट इज rajneetug2021.com। ठीक है, कीप लर्निंग, ये बात दिमाग में बिल्कुल अच्छे से रख लेना, rajneetug2021 ही लिखना है ना, क्योंकि 2020 पर ना पिछली साल वाली खुल जाती है, तो rajneetug2021.com। ठीक है, ये साइट आप जब विजिट करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको साइड में काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इनमें से जो नोटिफिकेशन का कॉलम है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाएगा। इस नोटिफिकेशन को डेट जो है दैट इज बेसिकली 18/12/2021, पिछली डेट जो थी आपकी यही लिखी हुई है। इसके अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, ठीक है, उनकी स्टार्टिंग हो जाएगी 20/12/2021, यानी कल, यानी मंडे से इसकी स्टार्टिंग जो है वो हो रही है। 20 दिसंबर से इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के जो स्टार्ट डेट है वो कल से स्टार्ट हो रहा है, यानी प्रोसेस आपका कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या क्या है मैं एक एक करके आपको क्लियरली बता देता हूँ। नीट यूजी मेडिकल डेंटल काउंसलिंग 2021, ठीक है, MBBS BDS स्टेट ऑफ राजस्थान। स्टेट ऑफ राजस्थान के लिए जो आपका काउंसलिंग प्रोसीजर है, ठीक है, वो यहाँ लिखा हुआ है। द अलॉटमेंट प्रोसीजर फॉर MBBS BDS courses will be carried out as per directed by Medical Education Department, Government of Rajasthan. The schedule for registration will be as follows. Application form जो है, ठीक है, start date for filling of online application form and deposition of required application fee. इसके लिए डेट जो है वो आपकी 20 दिसंबर यानी 20/12/2021 से स्टार्ट हो रही है। एक, इट इज अ मैंडेटरी स्टेप फॉर सब्सिक्वेंट प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड अलॉटमेंट। ये एक जो मैंडेटरी प्रोसेस है वो होगा आगे के जितने भी प्रोसेस होंगे उन सभी के लिए। ठीक है, बोथ द पार्ट्स, पार्ट वन एंड पार्ट टू, जब आप इस साइट को विजिट करेंगे तो यहां पर दो पार्ट दिख रहे हैं, एप्लीकेशन पार्ट वन एंड एप्लीकेशन पार्ट टू, आपको ये दोनों जो हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। ठीक है, ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी फिल्ड एंड कंप्लीटेड, ये दोनों फॉर्म्स और जो दोनों पार्ट्स हैं आपको ये कंप्लीट होने चाहिए। ठीक, लास्ट डेट फॉर डिपॉजिटिंग द एप्लीकेबल फी एट द वेबसाइट, जो वेबसाइट है उस पर एप्लीकेशन फी जो है उसको सबमिट करने की लास्ट डेट होगी 27/12/2021 शाम 4 बजे तक, 27/12/2021 यानी 27 दिसंबर को, ठीक है, शाम 4 बजे तक आप ये एप्लीकेशन फी जो है वो सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट इज 27/12/2021 को 11:45 तक। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये जो डिपॉजिटिंग फी का जो टाइम है वो 4 बजे तक है 27 दिसंबर को। ठीक है, सिमिलरली एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो टाइम है वो 11:45, ठीक है, PM तक अवेलेबल रहेगा, यानी रात को 11:45 तक ये टाइम अवेल रहेगा। आगे बात, पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल लिस्ट ऑफ वेरिफिकेशन, ठीक है, जो प्रोविजनल लिस्ट है वेरिफिकेशन की वो आपकी आएगी 30 दिसंबर को, यानी 30/12/2021 को। एक, आफ्टर दिस वन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द बॉन्ड गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज RUHS ऑफ डेंटल साइंसेज सुभाष नगर बिहाइंड TB हॉस्पिटल जयपुर फॉर PWD डिफेंस PM एंड NRI कैंडिडेट एज पर द नोटिफिकेशन टू बी मेड अवेलेबल एट द वेबसाइट, वो 3 तारीख को 1 बजे तक जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, बिफोर द बॉन्ड, दो बोर्ड और गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो आपको कब का सबमिट करना है, बॉन्ड नहीं है सॉरी बोर्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिफोर द बॉर्ड, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 3 जनवरी 2022 को सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा। आफ्टर दिस वन लिखा है फर्दर प्रोसेस टू बी पब्लिश्ड लेटर, जैसे जैसे आपका डेट बढ़ेगी वैसे वैसे आपको बाद में जो भी प्रोसीजर्स है वो आपकी लिस्ट मिल जाएगी। आफ्टर दिस वन डिफरेंट थिंग्स आर गिवन, इसमें क्या क्या दिखा है, रेफर इंफॉर्मेशन बुकलेट, ठीक है, बुकलेट आपको इंफॉर्मेशन वहीं अवेलेबल हो जाएगी, इंफॉर्मेशन शीट एंड कॉलेज फी एंड अदर इंफॉर्मेशन एट द वेबसाइट, जो आपकी RajNeet UG की वेबसाइट है इस पर ये सारे के सारे जो
चीजें बोली गई हैं वो सारी सारी यहाँ मिल जाएंगी, सीट मैट्रिक्स अदर, ठीक है। और मैं वीडियोस जैसे जैसे आगे आती जाएंगी चीजें मैं आपको अवेलेबल कराता जाऊंगा। अभी ज्यादा डेट्स जो है वो इसके अंदर ओपन नहीं हुई हैं, जैसे जैसे ओपन होती चली जाएंगी वैसे वैसे मैं आपके सामने चीजें लाता जाऊंगा। नेक्स्ट थिंग दैट इज डिटेल्ड प्रोग्राम फॉर काउंसलिंग विल बी अनाउंस्ड ऑन वेबसाइट, ठीक है। वो आपका डिटेल्ड प्रोग्राम जो है वो धीमे धीमे आपका नोटिफिकेशन के साथ कल जैसे डेट स्टार्ट होगी उससे पहले पहले तक अवेल हो जाएगा। All PWD, Defence, PM and NRI candidates must present themselves physically. ठीक है, उनको 3 जनवरी को जो भी PWD, Defence, PM या फिर जो NRI candidates हैं उनको 3 जनवरी को physically, ठीक है, documents के साथ में available रहना पड़ेगा। Next thing, all candidates are required to deposit non-refundable application fee. ठीक है, I repeat, non-refundable application fee of rupees 2000. ठीक है, while 1200 फॉर SC, ST, STA कैटेगरी कैंडिडेट, ठीक है, राजस्थान स्टेट डोमिसाइल एज वेल एज कैंडिडेट ऑफ राजस्थान स्टेट डोमिसाइल हुज फैमिली इनकम इज लेस देन 2.5 लाख, ठीक है, जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, ठीक है, वो बच्चे या फिर SC कैटेगरी स्टूडेंट्स, ST कैटेगरी स्टूडेंट, ST, STA कैटेगरी स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स जिनका डोमिसाइल राजस्थान है उनके लिए फी जो है वो 1200 रहेगी, बाकी सबके लिए फी का जो अमाउंट है दैट इज 2000 प्लस एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन चार्जेस, मतलब एप्लीकेशन में जो भी आपके ट्रांजेक्शन में लगेंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में, ठीक है, वो चार्जेस। कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान स्टेट डोमिसाइल हुज एनुअल इनकम इज लेस देन 2.5 लाख एंड हु ऑप्ट टू पे 1200 विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट इनकम सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जब उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना होगा तो उनको इस टाइम पर जो फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, जिनकी फैमिली की इनकम 2.5 लाख से कम है उनको इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका सबमिट करना पड़ेगा। द एप्लीकेशन फी इज नाइदर रिफंडेबल, ना तो एप्लीकेशन फी वापस होगी, ना ही आपकी ट्रांसफर होगी, ठीक है, ना ही किसी और UG एडमिशन के लिए एडजस्टेबल होगी। एनी प्लिया इन दिस मैटर शैल नॉट बी एंटरटेन, अगर आप इसमें कोई केस वगैरह करोगे तो वो ना माना जाएगा, ठीक से। आगे बोल रहा है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट रेगुलरली फॉर रजिस्ट्रेशन एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन आती जाएंगी, ठीक है, मैं खड़ा हूँ आप लोगों के लिए सारी इन्फॉर्मेशन लाता जाऊँगा, ठीक है। सो फाइनली डेट, ये आपका आज का मेरा वीडियो है कि जो राजस्थान है उसके लिए काउंसलिंग प्रोसीजर जो है वो 20 दिसंबर यानी कल मंडे से स्टार्ट होने जा रहे हैं, ठीक है, तो हो जाओ शुरू, ठीक है, 20 से लेके और लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। फिर से बोल देता हूँ 27 तारीख लास्ट डेट है, बट उस तक का इंतज़ार बिल्कुल मत करना, पहले ही अपने सारे प्रोसीजर्स, अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके जल्दी से जल्दी काम खत्म करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस डे, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स, ठीक। इसके अलावा रुको, एक बार फिर सुनो, अगर इसके अलावा भी कोई दिक्कत रहती है ना तो यहाँ मेरा नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, मेरे को कॉल कर लेना, मैसेज कर लेना, और अगर दिक्कत पड़े तो जयपुर में मैं अवेलेबल हूँ, आके मिल भी सकते हो, मैं सारे काम कराने की कोशिश करूंगा जो जो दिक्कत आएगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डे, अब जाओ, बाय।